सो हेलो एवरीवन, माय सेल्फ एडवोकेट गौतम अर्षवाल, एसोसिएट विद डायलीजी. वेलकम टू डायलीजी. टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस विद यू अनदर लीगल टॉपिक. एंड टुडेस टॉपिक विल बी ऑन अपॉन यू नो महात्मा गांधी. देयर हैज बीन पीआईएल और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन व्हिच हैज बीन पिटीशन हैज बीन फाइल्ड बिफोर द बॉम्बे हाई कोर्ट सीकिंग गाइडलाइंस टू प्रिवेंट अटरेंस एंड यू नो अनरिस्ट्रिक्टेड सर्कुलेशन ऑफ डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट डेड पर्संस आइदर इन द प्रेस और थ्रू सोशल प्लेटफॉर्म. सो द नेम ऑफ द केस इज कुमार सप्तऋषि एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स. सो लेट्स स्टार्ट अ डिस्कशन विदाउट एनी डिले. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना डिस्कस द ब्रीफ फैक्ट्स ऑफ दिस केस. सो लेट्स फाइंड आउट. सो द पिटीशन वॉज फाइल्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिंदू एक्टिविस्ट संभाजी भिडे मेकिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट महात्मा गांधी. द प्ली वॉज मैंशन बिफोर द डिवीजन बेंच ऑफ चीफ जस्टिस डी के उपाध्याय एंड जस्टिस आरिफ डॉक्टर ऑन ऑगस्ट 3rd एंड इज लाइकली टू बी लिस्टेड फॉर हियरिंग इन द कमिंग वीक. द पिटिशनर इंक्लूडिंग महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधि MGSN एंड ए फ्यू एसोसिएटेड सोशल वर्कर्स raised grievance that there have been numerous incidents in the recent past where deliberate utterances were made against people who were not alive but held in high esteem. The same is also circulated in an unregulated manner across all social media platforms it was submitted. Such remarks have a tendency to disturb the social and ethnic fabric of our country. It was contended. So that's all about our discussion. That's all about the brief facts of this case. In case of any confusion, any doubt, do let me know in the comment section. I will try my best to cover up the same in the next video. See you in the next video with some more information like this.